शिवाय नमस्तुभ्यम्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण करकर शंकर जी से विनय करकर हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख करकर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता। चावल के 7 दाने जल के पात्र में डाल लीजिए और मात्र 5 पुष्प सफेद जल के पात्र में डाल लीजिए। दुर्वा के 3 वट, एक लंबी सी, यहां तो अभी दुर्वा नहीं है, पर एक लंबी सी जो दुर्वा होती है, दुर्वा में 3 गांठ पड़े, लंबी डंडी होगी तो 3 गांठ अपने आप आ जाएगी, 3 वट वाली दुर्वा उस जल के अंदर डाल लीजिए और शंकर के मंदिर में जाकर उस जल को समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित करना है, ये वाला जो जल चढ़ाएंगे आप शंकर को, जैसे शिवलिंग सामने है और जल का पात्र अपने हाथ में है तो उल्टा जल चढ़ाएंगे, ऐसे आपकी ओर मुख करा हुआ कलश भगवान शिवलिंग पर आप चढ़ाएंगे उल्टा के बाद, इस तरह से, ऐसे नहीं चढ़ाना, उसको इस तरह से चढ़ाना अपनी। मात्र 15 से 20 मिनट में जिसकी चित्त वृत्ति भ्रमती नहीं हो। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, इस वीडियो में आपको पूजनीय पंडित जी बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, या आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बन पा रही है, पैसों की समस्या है या किसी कार्यों में बार बार रुकावटें आ जाती हैं, तो आप एक बार इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, रोग से मुक्ति पाने के लिए आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में एक घी का दीपक शुक्रवार के दिन यदि प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर की समस्याएं दूर होंगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होगा। दर्शकों, जो भी हम आपको उपाय बताते हैं, पूजनीय पंडित जी की कथा सुनकर समझकर आपको समझाने का प्रयास करती हूँ, इसलिए जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।